वेलकम टू ए बी सी कैंपस आज हम आई एफ आर एस सिक्सटीन रिलेज का एक मॉडल पेपर कर रहे हैं टू थाउजेंड नाइनटीन से उसमें क्वेश्चन है स्कोयर लिमिटेड यह मॉडल पेपर आई के ने टू थाउजेंड नाइनटीन में uh, जो है इशू किया था लेकिन इसका सजेस्टेड सोल्यूशन इशू नहीं किया था हा एवर वो आर शेयरिंग द सजेस्टेड सोल्यूशन बाय अस इस क्वेश्चन का डाटा यह है कि स्क्यर लिमिटेड इज अ डीलर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स एस एल एक्वायर्स रेफ्रिजरेटर्स ऑफ अ पर्टिकुलर मॉडल फ्रॉम अ मैनुफैक्चर एट अ डिस्काउंट रेट ऑफ फिफ्टीन परसेंट ऑन द रिटेल प्राइस थ्री हंड्रेड थाउजेंड पर यूनिट यानी अगर जो रिटेल प्राइस है जिस पर लोगों को सेल किया जाता है वो थ्री हंड्रेड थाउजेंड है जो उन्हें उसकी कॉस्ट पड़ती है वो उसके से यानी एटी फाइव परसेंट ऑफ थ्री हंड्रेड थाउजेंड उनकी कॉस्ट होती है ऑन फर्स्ट जनवरी टू थाउजेंड एटीन जो कि उनका ईयर स्टार्ट है क्योंकि एस एल सोल्ड ट्वेल्व रेफ्रिजरेटर्स टू क्यूब होटल एट रिटेल प्राइस ऑन लीज यानी रिटेल प्राइस पर ही थ्री हंड्रेड थाउजेंड के हिसाब से ही सेल किए हैं द रेट ऑफ़ इंटरेस्ट इम्प्लीसिट इन द लीज वॉज टेन परसेंट पर एन एम द पेमेंट इज़ टू बी मेड इन थ्री इक्वल एन इंस्टॉलमेंट्स पेएबल इन एडवांस रेजिडल वैल्यू एट द एंड ऑफ थ्री ईयर्स इज नील तो रेफ्रिजरेटर की लाइफ भी जो है वो आप समझते हैं कि तीन साल या उसके बाद उसकी रेजिडल वैल्यू निल है और उसके लिए जो है आप दे रहे हैं टू द लेसी और यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक तो ये कि ये डीलर हैं तो मैनुफेक्चर डीलर वाली लीज की रूल्स अप्लाई होंगे दूसरी बात यह कि तीन साल की लाइफ का एसेट तीन साल की लीज पर दिया जा रहा है तो इट इज अ फाइनेंस लीज ये सेकंड इम्पेक्ट है और मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो फोर्टीन परसेंट पर एनम है तो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट फोर्टीन परसेंट पर एनम पर इस बात को रिफ्लेक्ट करता है कि जो रेट यहाँ पर कोट किया गया है टेन परसेंट ये आर्टिफिशली लो रेट है और हमें इसको यूज़ नहीं करना चाहिए लेकिन जो रेंटल्स लेसी के साथ डिसाइड किए गए होंगे वो इस टेन परसेंट की बेस पर किए गए होंगे इसको को ऐड करके किए गए होंगे तो उससे हम एक्चुअल रेंटल की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे क्योंकि क्वेश्चन के अंदर हमें रेंटल की वैल्यू नहीं दी हुई लेकिन अल्टीमेटली जब हम अपना लीज़ शेड्यूल बनाएंगे और नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज़ को अकाउंट फॉर करेंगे तो उसके लिए हम फोटीन परसेंट का रेट यूज़ करेंगे स्टार्ट so करते हैं और पहले वर्किंग डेवलप करते हैं क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट जनरल एंट्रीज की है तो पहले वर्किंग कर लेंगे एंड देन वी वुड गो टूवर्ड्स जनरल एंट्रीज तो वी नीड नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज फिगर और उसके लिए हमें एन फैक्टर चाहिए पहले टेन परसेंट का एन ड्यू फैक्टर क्योंकि पेमेंट जो है वो एडवांस में है सो एन ड्यू फैक्टर कैलकुलेट फार्मूला अप्लाई कर देंगे एंड फैक्टर इज टू सेम टाइम पर हम साथ के साथ फोर्टीन परसेंट पे भी फैक्टर कैलकुलेट कर लेते हैं एंड दैट वुड बी टू पॉइंट सिक्स फोर सिक्स सेवन अब हमारा जो पहला इशू है वो ये है कि हमें रेंटल फाइंड आउट करना है तो हम उसके लिए एक कैलकुलेशन बना सकते हैं तो रिटेल प्राइस जो है वो हमें क्वेश्चन में गिवन है कि थ्री हंड्रेड थाउजेंड है और थ्री हंड्रेड थाउजेंड की रिटेल प्राइस बताई गई है और रेंटल जो भी लिए जा रहे होंगे उनकी अगर प्रेजेंट वैल्यू ली जाए तो वो रिटेल प्राइस बन रही होगी थ्री हंड्रेड थाउजेंड लेकिन कस्टमर के साथ क्योंकि जो रेट डिस्कस किया गया है वो टेन परसेंट है तो हम जो एन यू टी का फैक्टर यूज़ करेंगे वो टेन परसेंट की बेस पर करेंगे सो आर फार्मूला शुड बी रिटेल प्राइस पर यूनिट रेंटल पर यूनिट का एन प्रेजेंट वैल्यू होनी चाहिए जिसमें हम एन ड्यू फैक्टर टेन परसेंट का यूज़ करेंगे टेन परसेंट हम यहाँ पर इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि कस्टमर के साथ जो रेट कोट किया गया है वो टेन परसेंट की बेस पर किया गया है so, सो इसमें अगर हम जो इन्फॉर्मेशन हमें अवेलेबल है वो पुट करते हैं रिटेल प्राइस पर यूनिट थ्री हंड्रेड थाउजेंड की क्वेश्चन में दी हुई है और फैक्टर जो है टू पॉइंट सेवन थ्री फाइव फाइव फोर ये हमने टेन परसेंट पे ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है सो so, रेंटल यहाँ पे हमारा कैलकुलेट हो जाएगा रेंटल वुड बी इक्वल टू थ्री हंड्रेड थाउजेंड डिवाइड बाई टू पॉइंट सेवन थ्री फाइव फाइव एंड वन यूनिट का जो रेंटल है वो हमारे पास आ जाएगा वन जीरो नाइन सिक्स डबल सिक्स नाइन अब टोटल क्योंकि ट्वेल्व यूनिट्स सेल किए गए हैं ट्वेल्व रेफ्रिजरेटर्स की बात हो रही है तो हम ट्वेल्व यूनिट्स का रेंटल फाइंड आउट कर लेते हैं ताकि हम प्रॉपरली शेड्यूल बना सकें सो वन ज़ीरो नाइन डबल सिक्स नाइन इंटू ट्वेल्व यूनिट्स इट इज़ वन थ्री वन सिक्स जीरो टू एट तो ये जो हमारी कैलकुलेशन है ये थोड़ी सी अनयूजल है इस क्वेश्चन में क्योंकि रेंटल गिवन नहीं था तो रेंटल फाइंड आउट करने के लिए हमने जो है रिवर्स कैलकुलेशन की है और वी फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ रेंटल फ्रॉम द प्रेजेंट वैल्यू दैट वाज कोटेड टू द कस्टमर अब हम नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज बड़ा सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि जब हमारे पास रेंटल की फिगर है और हमारे पास जो अप्रोप्रिएट रेट है दैट इज़ फोर्टीन तो हम उसका फैक्टर अप्लाई करेंगे और रेंटल की फिगर हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है सो रेंटल इनटू पीवी फैक्टर नाउ दिस पीवी फैक्टर इज़ फ्रॉम 14 परसेंट क्योंकि जो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो ये है आई एफ में ये रिक्वायरमेंट है कि अगर कस्टमर को आर्टिफिशियली लो इंटरेस्ट रेट कोट करता है मैनुफैक्चर डीलर लेसर तो जो प्रेजेंट वैल्यू यूज़ करनी है वो फिर आपने मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट की बेस पर करनी है सो वी कैन कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू रेंटल इंटू पी वी एन्यूटी फैक्टर एंड डेट वुड बी थ्री फोर एट थ्री जीरो सेवन नाइन नाउ सिंपली हम इसकी बेस पर अपना शेड्यूल बना लेंगे सो फर्स्ट जनवरी टू थाउजेंड एटीन पहली पेमेंट क्योंकि एडवांस में है ओपनिंग बैलेंस हमारे पास जो नेट इन्वेस्टमेंट लीज का हमने कैलकुलेट किया है ये सेम हम मैंशन कर लेंगे पेमेंट पहली रिकॉर्ड हो जाएगी पेमेंट कितनी होगी रेंटल हम कैलकुलेट कर चुके हैं नेट बैलेंस हमारे पास आ जाएगा और उस पर फोर्टीन परसेंट इंटरेस्ट हमें चाहिए होगा तो उस पर फोर्टीन परसेंट इंटरेस्ट ले लेंगे क्योंकि जनवरी में ही पेमेंट हो जाएगी जनवरी टू दिसंबर का हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है अब वैसे हमें क्वेश्चन में जो डाटा की जरूरत है वो सिर्फ इतनी है क्योंकि हमें जनरल एंट्रीज पास करनी है तो हमें पेमेंट की अमाउंट भी पता है हमें इनिशियल नेट इन्वेस्टमेंट की वैल्यू पता है हमें पेमेंट की वैल्यू पता है हमें इंटरेस्ट की वैल्यू पता है और फर्स्ट ईयर से रिलेटेड हमें सिर्फ यही इन्फॉमेशन चाहिए हमने क्योंकि एक्सट्रैक्ट्स नहीं बनाने तो हम करंट नॉन करंट के अंदर इंटरेस्टेड नहीं है लेकिन अगर इस शेड्यूल को जस्ट हम कंप्लीट करना चाहें तो हम कर सकते हैं इंटरेस्ट ऐड करके वी फाइंड क्लोजिंग बैलेंस देन नेक्स्ट ईयर की कैलकुलेशन सेम वे में कर लेते हैं और उससे नेक्स्ट ईयर पे जब आप थर्ड पेमेंट रिकॉर्ड कर लेंगे तो आपका नेट बैलेंस ज़ीरो आ जाएगा तो तीन रेंटल्स जब इन एडवांस पे हो जाएंगे तो आपके पास जो है नेट इन्वेस्टमेंट का बैलेंस ज़ीरो हो जाएगा सो so, हमारा जो रेलिवेंट एरिया है दैट इज जस्ट अप टू फर्स्ट ईयर्स इंटरेस्ट अब इसको हम अपनी जर्नल एंट्रीज के अंदर इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं फर्स्ट so, जनवरी 2018 स्टार्टिंग डेट है नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज रिकॉर्ड करेंगे विच वुड बी एज वी कैलकुलेटेड हेयर फिर हमें कॉस्ट ऑफ सेल्स रिकॉर्ड करनी है कॉस्ट ऑफ सेल्स के लिए जो रेलिवेंट पॉइंट्स हैं रिटेल प्राइस या सेल प्राइस थ्री हंड्रेड थाउजेंड और हमें फिफ्टीन परसेंट डिस्काउंट यानी कॉस्ट जो है वो का 15 है, जो है वो का और टोटल जो थ्री हंड्रेड थाउजेंड इंटू एटी फाइव परसेंट इंटू ट्वेल्व यूनिट्स दैट वुड बी थ्री जीरो सिक्स जीरो थाउजेंड सेल रेवेन्यू भी हम उतना ही रिकॉर्ड करेंगे जितनी नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज है क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर कोई अनगारंटेड रेजल वैल्यू नहीं है और सेम बेसिस पर जो हमारी इन्वेंट्री है वो भी कॉस्ट पर रिकॉर्ड होगी कॉस्ट ऑफ सेल्स भी कॉस्ट में है और उसमें कोई अनगारंटेड अनगारंटीडेड वैल्यू हमने लेस नहीं की तो इन्वेंट्री की वैल्यू भी कॉस्ट में हमारे पास अवेलेबल है देन हमें फ़र्स्ट पेमेंट जो है वो क्योंकि एडवांस में है और फ़र्स्ट पेमेंट हमें रिसीव हो गई तो फर्स्ट पेमेंट वन थ्री वन सिक्स ज़ीरो टू एट की हमारे पास कैलकुलेटेड है जिसे हमने वर्किंग में कैलकुलेट किया था सो so, इसको रिकॉर्ड कर लेंगे बैंक डेबिट एंड नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज क्रेडिट क्योंकि नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज जस्ट लाइक रिसीवेबल जब आपको पैसे रिसीव होते हैं तो आपका रिसीवेबल कम हो जाता है नेक्स्ट जब ईयर एंड आएगा तो हमें इंटरेस्ट रिकॉर्ड करना है इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट कर लिया है थ्री जीरो डबल थ्री एट सेवन पे तो ये इंटरेस्ट रिकॉर्ड करने से इंटरेस्ट जब ड्यू होगा तो हमारा रिसीवेबल नेट इन्वेस्टमेंट लीज का रिसीवेबल बढ़ जाएगा और हमारी फाइनेंस इनकम या इंटरेस्ट इनकम हम रिकॉर्ड कर लेंगे सो दैट वुड बी द जर्नल एंट्रीज फॉर दिस क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी दैट्स ऑल फॉर हैव अ गुड डे